नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आमजन को वाजिब दामों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए मजबूत सिस्टम तैयार किया जाएगा। हरियाणा के खान एवं भू विज्ञानी मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में खनन क्षेत्र में कई संभावनाओं का दोहन करने के साथ साथ सिस्टम को भी और अधिक दुरुस्त और चुरुस्त बनाया जा रहा है, ताकि सरकारी खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व जुटाया जा सके और आमजन को वाजिब दामों पर निर्माण सामग्री भी आसानी से मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो माइनिंग माफिया को पनपने दिया जाएगा और न ही दूसरे राज्यों में आने वाली अवैध खनन सामग्री को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ लगते अवैध रास्तों की जांच करवाई जाएगी, ताकि प्रदेश में अवैध रूप से खनन सामग्री पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश हैं कि विभाग के अधिकारियों और खननकारियों में जुड़े अन्य हितधारकों के बीच में प्रदेश की पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। इसका पूरा मकसद ठेकेदारों और पट्टेधारकों को खनन क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को दूर करना है और सरकार का दृष्टिकोण भी इस ओर सामने रखना है, ताकि प्रदेश में महत्वपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से खनन गतिविधियां चलाई जा सके। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को रेत रोड़ी व बजरी तथा स्टोन कंस्ट्रक्शन जिसकी वाजिब समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।